Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel. So today in this lecture, we are going to discuss about a comparative view of spermatogenesis and oogenesis. तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग ये देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, क्या कंपेरेटिव व्यू है. तो वर्सेस लिख देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. और इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है. तो स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल अगर हम लोग बोलें तो जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं. एक्चुअली जेनेसिस का मतलब होता है बनना, और स्पर्मेटो मतलब स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म बने हुए हैं, तो आप फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है. ऊजेनेसिस में हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा या फिर ओवम. ओवम होगा तो सिंगुलर हो जाएगा, ओवा है तो प्लूरल. और ये दोनों ही प्रोसेस स्टूडेंट्स किसमें कंसीडर की जाती है, गैमिटोजेनेसिस. दे विल कम अंडर गैमिटोजेनेसिस. सो दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस इन फीमेल्स. सो इन मेल्स इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, इन मेल्स फीमेल इन फीमेल्स इट इज कॉल्ड ऊजेनेसिस, because ova are the gametes which are found in female reproductive system. So I want to tell you dear students that gametes are haploid in nature. These are the gametes like ova or sperm, these are the gametes and these are haploid in nature, means they have single set of chromosome. Agar hum log ova ki baat kare to bhi haploid hai, aur sperm ki baat kare to bhi haploid hai. तभी तो स्टूडेंट्स जब हम लोग स्पर्म और ओवा को कंबाइन करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. और जाइगोट में डिप्लॉयड बनता है, 2n बनता है. यहाँ पे जो स्पर्म है वो n बनेगा, ओवा जो है ये भी स्मॉल n बनेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस मेल में होगी, हम लोग उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं. और ये जो गैमेट्स का नेचर है स्टूडेंट्स कैसा है, हैप्लॉयड है, आपको ये बात याद रखनी है. दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, मेल के किस बॉडी में, बॉडी पार्ट में, टेस्टिस में होगा. इट इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और फीमेल्स की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल की ओवरीज में ये ऊजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ओवा का प्रोडक्शन होगा ओवरीज. वन पेयर ऑफ ओवरी होती है हर एक फीमेल की बॉडी में. और दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि जो सेक्स हार्मोन्स है, ये जो हार्मोन्स गोनाड से प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. और ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर फंक्शन को भी मेंटेन करेंगे, एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स को. और जिस तरीके से हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स की अगर बात करें तो मेल और फीमेल में अलग अलग सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी. तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस स्टूडेंट्स. आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज. सो थैंक यू वेरी मच माई डियर सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. So if you like this video, please hit the like button and share this video more as possible with your friends. And don't forget to subscribe my channel. So I hope we will meet soon with a new video. Tab tak ke liye, take care all of you in this COVID situation. Bye bye.